जब तीर्थराज प्रयाग में भरत जी महाराज पहुंचे हैं, अब यहां पे आप दर्शन करिएगा, सकल काम प्रद तीर्थ राव। तीर्थराज प्रयाग को समक्ष जितनी भी कामना है उनको कहा जाता है कि सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। भरत जी भी पहुंचे, श्री भरत जी महाराज जब तीर्थराज पहुंचे हाथ जोड़कर कहते हैं, मांगो भीख त्यागी निज धर्मु, 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 आरत जोड़कर तीर्थराज से कहते हैं, मांगूं भीख, मैं भीख मांग रहा हूं। आगे भरत जी ने कहा, त्यागी निज धर्मु, अपने धर्म को त्याग करके। किसी ने कहा इसमें धर्म को त्यागने की कौन सी बात आ गई। भरत जी कहना चाहते हैं, हम रघुवंशी हैं, हमारे यहाँ देने के लिए हाथ बढ़ाया जाता है, कभी भी लेने के लिए हाथ नहीं हम फैलाते। लेकिन आरत काह न करिए कुकर्मु, दुखी व्यक्ति क्या ना कर डाले, आज मैं राम विरह से व्याकुल हूँ, इसीलिए अपने धर्म का परित्याग करके आपसे भीख मांग रहा हूँ। तीर्थराज से आवाज आई, भरत जी बताइए क्या चाहिए, अर्थ चाहिए, धर्म चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए, आपको क्या चाहिए, मैं सब कुछ दे सकता हूँ। जब तीर्थराज से ये आवाज आई, भरत जी ने हाथ जोड़ लिया। भरत जी ने कहा, नहीं 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 नहीं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, मैं गति ना चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, बस यह वरदान ना आ। अर्थ नहीं चाहिए, भरत जी महाराज ने बोला, अर्थ की ही चाह में तो अयोध्या में ये अनर्थ हो गया, तो मैं अर्थ लेकर क्या करूंगा, अर्थ नहीं चाहिए। तीर्थराज ने कहा, तो क्या दूं, धर्म दूं। भैया भरत ने कहा, धर्म भी नहीं चाहिए, धर्म की बात करते करते पिताजी का स्वर्गवास हो गया, धर्म निभाते निभाते भैया वन चले गए, ऐसा धर्म लेकर क्या करूंगा। काम नहीं 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 नहीं, कामना ने ही तो कैकेयी की मति फेर दी, देखो कैकेयी की कामना थी मुझे राजा बनाने की, आज रंक बना आपके द्वार पर बैठा हूं, काम लेकर क्या करूंगा। निर्वाण पद प्रदान करूं, मुक्ति दे दूं। भरत जी ने कहा, मैं सगुण उपासक हूं, मैं मुझे निर्वाण पद की भी कामना नहीं है। अब तो तीर्थराज घबरा गए, यही चार ही चीज मेरे पास है, भरत जी को चारों नहीं चाहिए, मैं क्या दूं, अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, तो फिर मैं क्या दूं। अब भरत जी बोल पड़े, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ना मुझे जन्म जन्मांतर तक मेरे राघव जी के चरणों का प्रेम मिले, और कुछ नहीं चाहिए।
इसके बाद एक चौपाई और कही है भरत जी ने, आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपकी क्या कामना होती है, क्या चाहत होती है? हम जिससे प्रेम करें वो भी हमसे प्रेम करे, यही तो हर व्यक्ति चाहता है ना, कि हम अगर किसी से संबंध रख रहे हैं तो वो भी वैसा ही संबंध निभाए। आप खूब प्रेम करो, सामने वाला बिल्कुल प्रेम ना करे, आप कितने दिन तक उससे प्रेम कर लेंगे? एक महीने, दो महीने, छह महीने, साल भर? इसके बाद आप उससे प्रेम करने वाले नहीं है। अरे मैं क्यों प्रेम करूं जब उसे ही मेरी परवाह नहीं है? भरत जी लेकिन क्या कहते हैं, मैं तो उन्हें प्रेम करूं पर वो मुझे प्रेम ना करें। जान ही राम कुटिल कर मोही, राम जी मुझे प्रेमी नहीं, मुझे कपटी समझे, मुझे कुटिल समझे। ये भरत जी मांग रहे हैं, तीर्थराज से कह रहे हैं कि राम जी मुझे अपना प्रेमी ना समझे। हमारे आपके प्रेम की अपूर्णता रहने का कारण यही है, क्योंकि हम प्रत्येक प्रेम में एक कामना करते हैं। भरत जी महाराज ने नहीं की है कामना, जैसे पैसा, पैसा धन से प्रेम मनुष्य को होता है कि नहीं होता है? हाँ या ना बोलिए, पहले सर हिलाओ, प्रेम होता है कि नहीं होता? पाछे वालों आपको पैसे से प्यार नहीं, जाओ चढ़ाए जाओ, सारा जो लाए जितना लाए सब यही चढ़ा दो, हमें है। धन से मोह सबको है, प्यार सबको है, पर क्या आप अपने पैसे से कहते हो कि जितना प्यार लक्ष्मी मैया हम आपसे करते हैं बदले में उतना ही प्यार चाहिए? क्या पैसे से ये उम्मीद रखते हैं कि जितना ख्याल हम आपका रखते हैं सर्दी गर्मी बरसात से बचा के आप भी रखो मेरा ख्याल? हम पैसे से प्रेम करते हैं, बदले में धन से हम ये आशा नहीं करते कि धन भी हमसे प्रेम करे। इसी प्रेम की कामना तो गोस्वामी जी ने भी की है। आप दर्शन करिए, जब विश्राम करने लगे कथा का, गोस्वामी जी ने क्या लिखा, कामिहि नारी प्यारी जिमी। एक उदाहरण दे चुके थे नाथ, जिस प्रकार से कामी पुरुष को स्त्री के प्रति प्रेम होता है वैसा प्रेम मेरा आप मेरे, दूसरे उदाहरण की जरूरत नहीं थी। लेकिन गोस्वामी जी सोचने लगी ये लिखने के बाद कि मैंने कह तो दिया कि जैसे कामी पुरुष किसी स्त्री को प्रेम करे ऐसा ही प्रेम मैं आपसे करूं। गोस्वामी जी क्या सोचने लगे कि अगर कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है बदले में कामना करता है कि वो भी मुझसे प्रेम करे, तो क्या इसका मतलब मैं अपने राम जी पे शर्त लागू करना हूं कि अगर मैं आपको मानता हूं तो आप भी मुझे मानो? मैं अपने स्वामी को क्या बाधित कर रहा हूं इस चीज के लिए कि जैसे मैं प्रेम करूं वैसे आप प्रेम करो? गोस्वामी जी ने अगली कड़ी जोड़ी, लोभी ही प्रिय जिमी दान। नाथ, जिस प्रकार से लोभी व्यक्ति को धन से प्रेम होता है, लोभी व्यक्ति को अगर धन मिल जाए ना तो वो उस धन को अपने प्राण से भी अधिक संभाल के रखता है, कभी खर्च नहीं करना चाहता। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा ही प्रेम मैं आपसे करूं। जैसे धन से तो हम प्रेम करते हैं, लोभी व्यक्ति धन को चाहता है पर धन से कोई अपेक्षा नहीं रखता, वैसा ही प्रेम आपके चरणों में मेरा रहे। भरत जी ने भी यहां यही कहा।